अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये ओपन कार्डिगन कोट स्टाइल में एक फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलें जी, हम ये अपना ओपन स्टाइल कोट स्टाइल में कार्डिगन बनाना सीखते हैं। ये जी फ्रॉक स्टाइल कोट में बनाने के लिए, कोट स्टाइल बनाने के लिए ये मुझे चाहिए होंगी यॉन, जो कि मैंने टील कलर की यॉन ली है, और ये 3-ply की यॉन है, एक्रेलिक यॉन है, 100 ग्राम्स का बॉल है, कुछ स्टिच मार्कर्स, सीजर और 3.5 mm का हुक और एक मेजरिंग टेप। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं जी 77 चेन्स। हम बनाएंगे जी 77 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से मैं 77 चेन्स बना लेती हूँ। जी ये मैंने 77 चेन्स बना ली हैं। अब मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊँगी और मैं नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से ये मैं एंड तक सिंगल क्रोशेस बना लेती हूँ। जी ये मैं इस तरह बनाऊँगी कि मैंने ये मेरे टोटल हैं 77 + 1, मीन्स के मैं 77 चेन्स बनाऊंगी प्लस 1 टर्निंग चेन, और फिर मैं सिंगल क्रोशे की इस तरह से मैं एक रो दे दूंगी। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से ये मेरे पहले 10 स्टिचेस होंगे, मेरे 10 स्टिचेस मैंने ये पहले ही मैंने मार्किंग कर लिया। इसी तरह आप भी पहले ही मार्किंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 11th स्टिच में, जो कि मेरा ये 10 + 1 11th स्टिच हो, इसमें मैं करूँगी इंक्रीज़। तो मैंने ये पहले ही स्टिच मार्कर लगा लिया। उसके बाद मैं 15 स्टिचेस काउंट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद जो मेरा 16th स्टिच होगा वो मेरा ये होगा, इंक्रीज़ करूँगी मैं, इधर मैंने मार्किंग कर ली है, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 मेरे बैक के 24th पर मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है इंक्रीज़ के लिए, यानी मेरा 3rd कॉर्नर होगा। उसके बाद मैं इसके बाद यहाँ से काउंट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 मेरा 2nd शोल्डर, 16th पर मैं मार्क कर दूंगी। उसके बाद अगेन मेरे बचे यहाँ ऑटोमेटिकली 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरा फ्रंट, मीन्स के 10, 10, 23 स्टिचेस मेरे फ्रंट के कम हैं, जो कि मैं बटन की जोन सी, मीन्स के फ्रंट पर जो मैं बटन पट्टी सी बनाऊंगी, ये उसके लिए मैंने छोड़ दिया है।
बैक 23, 15, और ये कॉर्नर्स है मेरे, ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, चेन वन बनाकर और टर्न कर देना है, ठीक है। यह मेरी टू मेरी इसमें रोज़ होंगी, यानी टू रिपीट रोज़। ये मेरी फर्स्ट रिपीट रो है, ये मेरी सिंगल क्रोशे और चेन वन की रो है। बनाऊंगी सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप। अब आपके पास ये जो नेक्स्ट आ रहा है, ये मेरा कॉर्नर होगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव करूँगी, ये मैं स्किप करूँगी, और इस कॉर्नर में, ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर है, इसमें मैं सिंगल क्रोशे, चेन टू, और सेम ही स्पेस में सिंगल क्रोशे, ठीक है। और मैं अगेन इसमें ये स्टिच मार्कर लगा देती हूँ, ठीक है। चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, 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 चेन वन, स्किप वन, और मेरा आ गया नेक्स्ट कॉर्नर। मैं ये रिमूव करूँगी और इसमें बनाऊँगी सिंगल क्रोशे, चेन टू, और सेम ही स्पेस में सिंगल क्रोशे, और मैं इसमें चेन टू स्पेस में लगा दूँगी ये स्टिच मार्कर, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से मैं चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, और मैं जब यहाँ आऊँगी तो मेरा ऑटोमेटिकली सिंगल क्रोशे, चेन, ये स्किप चेन होगी, स्किप स्टिच होगा मेरा, और फिर मैं इस कॉर्नर में टू सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी, चेन टू इन बिटवीन, फिर चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, स्किप वन, सिंगल क्रोशे, इस तरह बनाते हुए सेम यहाँ तक मैं आ जाती हूँ। जी ये मैंने यहाँ तक मैं आ गई, सेम उसी तरीके से जहाँ मेरा कॉर्नर्स बनाए, हर कॉर्नर जहाँ ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिए थे। अब मैं क्या करूँगी, चेन वन एंड टर्न। जो मेरा पहला स्टिच है,
इसमें बनाऊंगी डबल क्रोशे और इसी के साथ ही मेरा आ रहा है चेन वन का स्पेस, तो इसमें मैं क्लस्टर बनाऊंगी डबल क्रोशेस का, 3 डबल क्रोशेस का क्लस्टर स्पेस के अंदर। ये मेरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, अगेन यार्न को घुमाया हुक के अराउंड, सेकंड डबल क्रोशे, 2 लूप्स में से गुजारा, यानी ये मेरे 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, अगेन यार्न के अराउंड, हुक के अराउंड यार्न को घुमाया और सेम ही स्पेस में, यानी ये मेरे हो गए 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। मेरे हुक पर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 लूप्स और मैं इन चारों में से गुजार दूंगी। चेन वन, नेक्स्ट मेरी जो चेन स्पेस होगी इसको मैं करूंगी स्किप, इस सिंगल क्रोशे को मैं करूंगी स्किप, अगेन हुक के अराउंड यार्न को घुमा के इस चेन स्पेस में, वन डबल क्रोशे इनकम्प्लीट, टू डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, यानी ये देखें ये मेरे 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बन गया और मैंने इन सब में से निकाल कर चेन 1, स्किप 1 और ये नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशे क्लस्टर। चेन वन और ये मेरा नेक्स्ट स्पेस, क्लस्टर। अब ये मेरा आ गया फर्स्ट कॉर्नर, मैं इसको करूँगी रिमूव, चेन वन और मैं इस चेन टू स्पेस में बनाऊँगी क्लस्टर, ये मेरी क्लस्टर रो है यानी रिपीट रो नंबर 2, चेन 2, चेन 2 बनाया और मैं सेम ही स्पेस में चेन 2 के स्पेस में एक और क्लस्टर बनाऊंगी, चेन वन, यानी मैंने ये कॉर्नर पर किए हैं इंक्रीज, यानी जो चेन टू डबल सिंगल क्रोशे चेन टू डबल क्रोशे जिस मैंने स्टिच में बनाई थी मीन्स के इंक्रीज किया था, वहीं मैंने क्लस्टर भी इंक्रीज करना है चेन टू इन बिटवीन चेन वन और नेक्स्ट स्पेस में अगेन क्लस्टर। तो मैं यहाँ इस कॉर्नर पर लगा देती हूँ अगेन अब मैं नेक्स्ट स्पेस में बनाऊंगी अगेन क्लस्टर, चेन वन, स्किप करेंगे ये वाला सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाएंगे
अगेन क्लस्टर। इसी तरीके से हमने हर चेन स्पेस में एक क्लस्टर बनाना है और जो कॉर्नर है उसमें हमने चेन टू स्पेस में टू क्लस्टर्स बनाने हैं, मींस के हमने इंक्रीज करना है। ये जी हमारा आ गया है नेक्स्ट कॉर्नर। हम स्टिच मार्कर करेंगे रिमूव और हम इस चेन टू स्पेस में बनाएंगे टू क्लस्टर्स चेन टू इन बिटवीन। चेन टू और सेम ही चेन टू स्पेस में एक और क्लस्टर। चेन वन और इसी तरीके से मैं अपना ये पैटर्न कंटिन्यू करूँगी जब तक मेरी रो एंड नहीं हो जाती। चेन वन, इसी तरीके से मैं अपनी रो करूँगी कंप्लीट। ये अपना सिंगल क्रोशे करूँगी स्किप, जो चेन स्पेस होगी उसमें मैं बनाऊँगी क्लस्टर। इसी तरीके से जब मेरे कॉर्नर्स आएंगे तो टू क्लस्टर चेन टू इन बिटवीन, चेन टू स्पेस में और चेन वन स्पेस में एक एक क्लस्टर करते करते मैं जी यहाँ आ जाती हूँ। चलें जी यहाँ पहुँच कर मैं दिखाती हूँ कि मैंने नेक्स्ट रो अपनी कैसे करनी है। जी ये मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये मेरा लास्ट स्पेस जिसमें मैंने क्लस्टर बनाया। सिर्फ लास्ट और फर्स्ट में हमने बगैर चेन वन बनाए, जैसे मैं चेन वन बनाती हूँ हर क्लस्टर के बाद, बगैर चेन बनाए हमने बनाना है लास्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे। सिर्फ लास्ट एंड फर्स्ट स्टिच में क्लस्टर रो की चेन वन एंड टर्न। अब हमारी रिपीट रो नंबर वन होगी जो मेरी होगी सिंगल क्रोशे एंड चेन वन रो। तो ये मेरा जो पहला स्टिच है इसमें बनाऊंगी सिंगल क्रोशे चेन वन और मैं ये कर दूंगी स्किप। ये ऊपर वाला इस क्लस्टर के ऊपर वाला स्टिच, तो जो इसके बीच में जो स्पेस आ रही है उसमें बनाऊंगी सिंगल क्रोशे चेन वन, ये करूंगी क्लस्टर स्किप और नेक्स्ट स्पेस में बनाऊंगी सिंगल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन। अब मेरा आ गया कॉर्नर, तो मैं क्या करूँगी इस कॉर्नर में बनाऊँगी टू सिंगल क्रोशे चेन वन बनाने के बाद, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन टू और सेम ही स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन और मैं इस कॉर्नर में लगा दूँगी अगेन स्टिच मार्कर। चेन वन हमने बना ली, अब नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे
चेन वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, सिंगल क्रोशे, चेन वन, सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से मैं सिंगल क्रोशे चेन वन इस स्पेस में जो क्लस्टर के बाद आ रही है, और मैं इसमें टू सिंगल क्रोशे चेन टू इन बिटवीन करके अपनी रो कंप्लीट कर लूँगी। तो चलें जी, अब ये मेरी रिपीट रो नंबर वन एंड रिपीट रो नंबर टू इसी तरीके से रिपीट होती रहेंगी। ये रिपीट रो नंबर वन टू, रिपीट रो नंबर वन टू, मीन्स के सिंगल क्रोशे रो और मेरी क्लस्टर रो। तो ये मेरा कुछ इस तरह से, ये मेरा बैक, ये मेरे शोल्डर्स और ये मेरा फ्रंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैं अपनी रोज रिपीट करते हुए अपने इस आर्म होल को 6 इंचेस तक मैं ले आऊंगी। इस तरीके से 6 इंचेस तक। चलें जी, ये मैं यही रोज रिपीट करते हुए अपना ये पैटर्न 6 इंचेस तक ले आती हूँ, और यहाँ जो मेरा इंक्रीज़ होगा कॉर्नर्स पर, या आप इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। चलें जी, ये मैं 6 इंचेस तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। जी, मैंने इसकी आर्म होल की जो मेरी लेंथ है वो 6 इंचेस तक हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बॉडी एंड स्लीव्स पार्ट को करूँगी सेपरेट, ठीक है। और ये मेरी तकरीबन बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स के 9 मेरी क्लस्टर रोज बनी है, और जो सिंगल क्रोशे और चेन स्पेस वाली रो है वो भी 9, तो 9 9 हो गए टोटल 18 ये मेरी रोज बनी है। अब मैं क्या करूँगी, चेन वन एंड टर्न, ये मैं सेम वैसे ही बनाऊँगी जैसे मेरी सिंगल क्रोशे चेन वन, और इस स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन। इसी तरीके से मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये जी, मैं कॉर्नर पर आ गई हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पर चेन वन, सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी आपने कितनी, लेकिन इसकी जो टोटल जो ओरिजिनल इसकी मींस के 4 to 5 years की जो है वो 13 होती है, चेस्ट 13 इंचेस, तो ये मैं 5 बढ़ाऊँगी, 1 2 3 4 and 5। अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरा स्लीव का पार्ट इकट्ठा करके इसको कर दूँगी स्किप, और मैं इस तरह आ जाऊँगी बैक साइड पर, और मैं इस कॉर्नर के अंदर सिंगल क्रोशे बना लूँगी, चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे चेन वन, सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से इधर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशे चेन फाइव, फिर ये जो दूसरी साइड है सिंगल क्रोशे बनाकर, और मैं यहाँ आके अपनी रो को एंड कर दूंगी। चलें जी, ये मैं सेम जैसे मैंने ये पार्ट बनाया है, इस पार्ट को भी मैं ऐसे बनाकर यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। चेन वन एंड टर्न। अब ये देखें, ये मेरा स्लीव्स एंड
बॉडी पार्ट सेपरेट हो गया है, ये मेरी स्लीव्स और ये मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, चेन वन एंड टर्न। अब मैं आ गई हूँ अपनी क्लस्टर रो पर। मैं फर्स्ट स्टिच में बनाऊंगी डबल क्रोशे और अब इस स्पेस में, चेन वन के स्पेस में क्लस्टर, चेन वन, नेक्स्ट स्पेस में क्लस्टर, और ये मैं क्लस्टर बनाते हुए इधर आ जाती हूँ। जहाँ से मैंने ये जी मैं अपनी चेन फाइव पर आ गई हूँ, ये मैं अपना सिंगल क्रोशे करूँगी स्किप और मैं फर्स्ट चेन के अंदर बनाऊँगी क्लस्टर। चेन वन, नेक्स्ट चेन करूँगी स्किप, चेन करूँगी एक स्किप और नेक्स्ट चेन के अंदर बनाऊँगी क्लस्टर। चेन वन करूंगी स्किप चेन और नेक्स्ट चेन के अंदर बनाऊंगी क्लस्टर। चेन वन और अपना ये सिंगल क्रोशे जो मैंने कॉर्नर में बनाया था उसको स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में क्लस्टर। अब मेरा ऐसे ही पैटर्न कंटिन्यू करेगा एंड तक, चेन वन और नेक्स्ट स्पेस में क्लस्टर। इसी तरीके से मैं ये भी ऐसे ही करूँगी, स्किप करके चेन में क्लस्टर, स्किप क्लस्टर, स्किप क्लस्टर, स्किप, और ये पैटर्न कंटिन्यू। यहाँ मेरी रो एंड हो जाएगी, क्लस्टर रो एंड। चलें जी मैं यहाँ पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। ये जी मैं अपनी इस रो के एंड पर आ गई हूँ। लास्ट मेरा, मैं बगैर चेन वन बनाए लास्ट स्टिच में अपना डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं, चेन वन और टर्न जी। अब ये मेरा आप देख लें इस तरह से, ठीक है। ये जी मेरा बन गया है और तकरीबन मेरी चेस्ट, पीछे से हम चेक करते हैं जी, तकरीबन पूरी ही है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाती है। अब मैंने जो अपना इसकी जो लेंथ होगी मेरी, मींस के जो स्कर्ट से ऊपर वाले पार्ट की मेरी लेंथ होनी चाहिए 10 इंचेस या 9.5-10 इसके बीच में ही, मैंने 9 to 10 inches, वो आप अपनी मर्ज़ी से देख लें। आपने ज़्यादा लंबा रखना है कि छोटा, तो मैं 9.5 या 10 inches रखूँगी। लेकिन इसके बीच में, मीन्स के यहाँ तक, तो इसके बीच में ये 8 inches पर मैं यहाँ से एक क्लस्टर को डिक्रीज करूँगी, ठीक है। तो मैं जी 8 inches तक पहुँच कर आपको बताती हूँ कि मैंने इस साइड से डिक्रीज करना है, ताकि मेरा जोन सी शेप है थोड़ी सी
ऐसे जैसे कोट में हल्का सा कर्व सा आ रहा होता है, उस तरह से कर्व बने, नज़र नहीं आएगा लेकिन पहने हुए नज़र आएगा, इस तरह से थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब ये फ्रॉक को वेयर किया जाएगा तो वो हल्का सा एक कोट की तरह बीच में जो कर्व आता है कमर पर वो बनेगा यहाँ डिक्रीज करने से। चैलेंज 8 इंचेस पर आकर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ किस तरह से डिक्रीज करना है। ये जी मेरा 8 इंच तक आ गया है। अब 8 इंच तक पहुँचने के बाद आपने बनानी है सिंगल क्रोशे रो, उसके बाद आप आएंगे क्लस्टर रो पर। यानी यहाँ तक मेरा 8 इंचेस था और मैंने फिर सिंगल क्रोशे रो बनाई चेन वन स्पेस वाली, और फिर मैं क्लस्टर रो पर आई और मैं बिल्कुल अंडर आर्म्स पर के नीचे आकर मैं एक करूँगी डिक्रीज। इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, सेम स्पेस में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, ये मेरे हो गए 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्पेस में ये मैं स्किप करूँगी, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और इसी स्पेस में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना के इनको एक क्लस्टर बना दूँगी। और आगे मैं चेन वन और मैं इस चेन स्पेस में न बनाऊंगी गेंद से क्लस्टर। चेन वन, नेक्स्ट चेन स्पेस में क्लस्टर, और इसी तरीके से मैं क्लस्टर बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ मैंने यहाँ डिक्रीज किया था, 2 क्लस्टर को मैंने 1 क्लस्टर बनाया, और सेम मैं इधर भी डिक्रीज करूँगी 2 क्लस्टर्स को, यानी इन 2 क्लस्टर के ऊपर 1 क्लस्टर बनाऊंगी चेन वन बनाकर। इस स्पेस के अंदर 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। चेन वन और आगे नेक्स्ट स्पेस में क्लस्टर, और सेम ये पैटर्न एंड तक यहाँ तक बना लेती हूँ मैं। ये जी यहाँ मैंने एक डिक्रीज कर दिया है। अब ये मेरा हो गया है 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैंने ये बनाने हैं 10.5 इंचेस तक इसकी फ्रॉक से ऊपर वाला जो मेरा पार्ट है वो मैंने बनाना है। ठीक है, चलें जी ये मैं 10 इंचेस तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ हमने अपने स्कर्ट की स्टार्टिंग कैसे करनी है। इस ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पार्ट 2 में। इस वीडियो के बाद वो वीडियो लाजमी देखिएगा।